बाल बाल बचे गिरे होते तो कम से कम एक ना एक दांत तो टूटा निश्चित ही था। महारानी आप स्वस्थ तो है ना? ऐसा क्यों हुआ उसे? एक माँ की चिंता तो सदैव उसकी संतान की सुरक्षा ही होती है ना राजन? नेत्रों से भले ही दूर हो किंतु हृदय से कहाँ दूर होती है वो। हमें आभास हुआ कि वैष्णवी को ठोकर लगी तो हमारी ममता ने संयम खो दिया। इस यात्रा पर आकर हमने उचित तो किया ना? निसंदेह महारानी, आपने उचित किया। आप अपना वचन पूरा कर रही है महारानी, तो चिंता क्यों? और वैष्णवी ने तो हम दोनों को प्रसन्नता के साथ विदा किया। एक बात कहें समृद्धि, माँ और संतान का संबंध नाभि और नाल की तरह होता है। दोनों में से एक भी अगर दुखी और चिंतित हो तो दूसरा प्रभावित होता है। इसलिए आप विचलित ना हो, क्योंकि आप विचलित होंगी तो वैष्णवी को कष्ट होगा। इसलिए आप अपनी ममता को विश्राम दीजिए और भक्ति पर ध्यान दीजिए। बढ़ानी होगी, नहीं तो राखी खान से पूर्व काकी माँ हमें ढूंढते ढूंढते हमारे कक्ष तक आ जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम, मिल गया मार्ग महादेव और महाकाली के क्रोध को जगाने का। बालिका पुनः जब इस मार्ग से जाएगी तब उस पर होगा एक प्राण घातक आक्रमण। और महादेव तुम आओगे हमारे षड रिपुओं को जगाने, उनमें प्राण फूंकने। अवश्य आओगे, नहीं आएंगे वो। कल ही तेरा उन्माद ही तेरे अवसाद का कारण बनेगा। नारायण ने वचन लिया है उनसे, नहीं आएंगे वो। मूर्ख हो तुम जो ऐसा सोच भी रहे हो, तो इसका तात्पर्य ये है कि वैष्णवी का जीवन संकट में है। हो क्या गया है तुम्हें? देवराज होकर भी तुम त्रिदेवियों की कन्या की हत्या चाहते हो? तुम्हारी कामना तो मात्र केवल इतनी ही थी ना कि वैष्णवी असफल हो और महादेव प्रलय ला सके। किंतु 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 मेरी कामना है क्या? क्या है तुम्हारी कामना? सोचो सोचो देव राजेंद्र, सोचो। हे भगवान, ये सैनिक सेनापति जी ने भी कोई अति की सुरक्षा प्रबंध कर दी है। अब हम अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? इन सैनिकों ने देख लिया तो
जी आपके निर्देश के अनुसार। वैष्णवी, आज तुम्हें छोटी काकी जी भर के खिलाएगी। क्या क्या है ये कदिका? वही शाक पात्र है जो आप सोच रहे हैं। वैष्णवी के प्रति हमारे प्रेम जितना कड़वा। किंतु ये बहुत वैष्णवी तो कहीं नहीं मिली। कहा था उससे पूजन से पूर्व लौट आना। मैं माँ को क्या उत्तर दूंगा? चंद्र जी, जी, जी माँ, हमने तुम्हें वैष्णवी को बुलवाने भेजा था ना। वो मैं वैष्णवी। चंद्र, हमने पूछा वैष्णवी कहाँ है? हम यहाँ हैं छोटी काकी। विलम्ब के लिए क्षमा छोटी काकी। कोई बात नहीं पुत्री, चलो भोजन आरंभ करते हैं। चलो वैष्णवी। आज तो हम दोनों बच्चों को स्वयं भोजन परोसेंगे। तुम्हें पता है हमने तुम्हारे लिए विशेष व्यंजन तैयार करवाया है, कारवेला का शाक। आलू, छोटी काकी आपने प्रयास किया ना? एकदम भयभीत कर दिया था और उसके बाद मदद की है शाक। आप सबसे अच्छी हैं छोटी काकी। लाइए काकी, हम परोस देते हैं। चलो बच्चों, भोजन आरंभ करते हैं। तो साहस किया कैसे तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने का? छोटी महारानी है हम। क्षमा छोटी रानी, क्या चूक हो गई? चूक कहती हो इसे? दृश्यता की है तुमने। हमने तुमसे कारवेला बनवाने को कहा था कि तुमने आलू का शाक बनवा दिया। किंतु छोटी रानी, कारवेला ही बनवाया था। अच्छा, तो ये आलू कहाँ से आया? नहीं ज्ञात छोटी रानी, आपके कहे अनुसार कारवेला ही बनवाया था। राज रसोई में तो दो दिवसों से तो आलू आया ही नहीं। क्षमा छोटी रानी जी, मुझे नहीं ज्ञात कि आलू कहाँ से आया। हमारा समय बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से।